नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आकारांत। आकारांत का मतलब होता है जिस शब्द के अंत में आ हो उसको आकारांत बोलते हैं। जैसे हम पढ़ने वाले हैं गंगा, तो इस गंगा शब्द के अंत में देखिए आ है, तो इसको आकारांत बोलेंगे। और आकारांत कौन सा शब्द बोलेंगे? स्त्रीलिंग शब्द बोलेंगे। तो ये गंगा है संज्ञा शब्द रूप। कौन सा है? संज्ञा शब्द। तो आज पढ़ने वाले हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है गंगा, गंगा संज्ञा शब्द रूप। ठीक है, विभक्ति और यहाँ पर कारक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। और प्रत्येक शब्द रूप जो होता है संज्ञा शब्द, एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, तीनों वचनों में होता है। प्रथमा विभक्ति, सबसे पहले देख रहे हैं प्रथमा विभक्ति। और प्रथमा विभक्ति में कर्ता होता है, कारक कौन सा होता है? कर्ता। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। तो यहां पर हम पहला जो प्रथमा विभक्ति का पहला शब्द पढ़ने वाले हैं गंगा। गंगा ने, गंगे, दो गंगाओं ने, गंगाहा, बहुत सारी गंगाओं ने। तो प्रथमा विभक्ति है और कर्ता कारक है गंगा, गंगे, गंगाहा। अब है द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति में कारक होता है कर्म कारक, जिसका चिन्ह होता है को। तो यहां पर हम जोड़ रहे हैं गंगाम, गंगा को, गंगे, दो गंगाओं को और गंगाहा, बहुत सारी गंगाओं को। जैसे हम हिंदी में एक वचन बहुवचन बनाते हैं, उसी प्रकार संस्कृत का जो भी एक वचन है जैसे गंगाम है, तो हम मूल शब्द जो गंगा है उसके साथ हम जो कर्ता कर्म, जो यहां पर कर्म का चिन्ह होता है को, तो गंगा को। यहां पर हम द्विवचन की बात करें गंगे, तो द्विवचन में गंगा को कैसे लिखेंगे? दो गंगाओं और फिर को चिन्ह लगा देंगे, दो गंगाओं को। बहुवचन में गंगाहा, तो गंगाओं को। इस प्रकार से हम हिंदी में बहुवचन बनाते हैं, तो उसके एंड में हम को चिन्ह लगा देंगे, को कर्म कारक का चिन्ह लगा देंगे, तो हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे गंगा को, दो गंगाओं को और गंगाओं को, इस प्रकार से। अब तृतीया विभक्ति में कारक होता है करण कारक, जिसका चिन्ह होता है से के द्वारा। इसी प्रकार जैसे ऊपर किया वैसे मूल जो गंगा शब्द है उसके साथ से के द्वारा हम कारक चिन्ह जोड़ देंगे, तो हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे गंग गया, ये एक वचन है, तो गंगा से या गंगा के द्वारा। ये द्विवचन है, गंगाभ्याम, दो गंगाओं से या दो गंगाओं के द्वारा। गंगा भी, गंगाओं से या गंगाओं के द्वारा, इस प्रकार से। अब है चतुर्थी विभक्ति, जिसका कारक होता है संप्रदान कारक, चिन्ह होता है को के लिए। ठीक है, गंगा यही, गंगा को या गंगा के लिए। गंगाभ्याम, दो गंगाओं को या दो गंगाओं के लिए। गंगाभ्ये, गंगाओं को या गंगाओं के लिए। ठीक है, अब पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में कारक होता है अपादान कारक, जिसका चिन्ह होता है से और प्रयोग किया जाता है अलग होने के अर्थ में। तो यहां पर देखिए गंगाया, गंगा से। गंगाभ्याम, दो गंगाओं से। गंगाभ्ये, बहुत सारी गंगाओं से। ठीक है, षष्ठी विभक्ति, जिसका कारक होता है संबंध कारक, जिसका चिन्ह होता है का, के, की। गंगाया, गंगा का या गंगा की या गंगा के। गंगयोः, दो गंगाओं का या दो गंगाओं के या दो गंगाओं की, कोई सा भी कारक चिन्ह हम जोड़ेंगे। ठीक है, गंगा नाम, गंगाओं का, गंगाओं के या गंगाओं की। सप्तमी विभक्ति, जिसका कारक चिन्ह होता है मे पर। गंगायाम, गंगा में। गंगयोः, दो गंगाओं में। गंगासु, बहुत सारी गंगाओं में या गंगाओं पर। संबोधन देखिए, हे अरे भो, हे गंगे, हे गंगा, हे गंगे, हे दो गंगा, हे गंगा, हे गंगा। अब हम एक बार
इस गंगा शब्द का उच्चारण करते हैं प्रथमा विभक्ति ने गंगा गंगे गंगाहा, द्वितीय विभक्ति को गंगाम गंगे गंगाहा, तृतीय विभक्ति से के द्वारा गंगया गंगाभ्याम गंगा भी, चतुर्थी विभक्ति को के लिए गंगा यही गंगाभ्याम गंगा भे, पंचमी विभक्ति से गंगाया गंगाभ्याम गंगा भे, षष्ठी काके की गंगाया गंगयो गंगा नाम, सप्तमी में पर गंगायाम गंगयो गंगासु, संबोधन हे अरे भो, हे गंगे हे गंगा हा।